नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष अग्रवाल है। मैं पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। आज का वीडियो बनाने का महत्व ये है कि हम आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, क्योंकि हम आजकल देखने में आया है कि सडन कार्डिक डेथ्स बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं और आम जनता इससे परेशान है कि आदमी जिम में जाता है या एयरपोर्ट पर जाता है एंड सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है एंड ही फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड अनरेस्पॉन्सिव एंड जान को खतरा हो जाता है, दे मे ऑल्सो लूज देयर लाइव्स। तो हमारा ये एंडेवर है कि हम आम जनता को समझा सकें कि हम बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR जो एसेंशियल कॉम्पोनेंट है बेसिक लाइफ सपोर्ट का, कि उसको कैसे दें। आई एम नाउ गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट कि हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दें, CPR कैसे दें, जब हम ऐसी जगह पे हों जहाँ पे हमें हॉस्पिटल की सुविधाएं ना हो। ये उन लोगों के लिए है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो आम आदमी हैं, और वो एक आम आदमी एक दूसरे आम आदमी को कैसे सपोर्ट करे। उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो कि मरीज को हम सबसे पहले उसको शेक करके खिला के पूछें, आर यू ओके, आप ठीक हो। अगर हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो पास जाके देखें कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं, फील करें कि चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं। फील करने में और इसमें लगता है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हमें तुरंत अपना जो भी गले में या घड़ी है ये सब चीज़ साइड में करना चाहिए। मरीज के सर के नीचे अगर कोई तकिया है वो निकाल देना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि मरीज एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे लेटा हुआ है। जब वो फ्लैट प्लेटफॉर्म पे आपने इंश्योर कर लिया तो तुरंत उसके पास बिल्कुल करीब पहुंच जाएं। तो आपको इंश्योर करना है कि आप मरीज के बिल्कुल पास में हों, आप ऐसी पोजीशन है बिल्कुल मरीज के बिल्कुल साथ में सटे हुए हों और अपनी हथेली, हाथ की हथेली, हील ऑफ द हैंड लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट पे रखें और अपना दूसरा हाथ उस पहले हाथ से, अपने पहले हाथ से इंटरलॉक कर लें और आपके दूसरे हाथ का भी हील आपके पहले वाले हाथ के ऊपर हो। जब ये ऐसे हो जाएगा ये इंश्योर करना है कि हमारे आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हों और जो एल्बोज हैं, कोनिया हैं, वो लॉक हो जाएं, वो मोड़ने नहीं चाहिए। अब आपको कंप्रेस करना है, ऐसे लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट हील रखें और आपके एल्बोज बिल्कुल लॉक हैं, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। इससे इफेक्टिव कंप्रेशन होगा जिससे हमें ये इंश्योर करना है कि 2.5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन हो चेस्ट का और रेट ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए 100 से 120 पर मिनट, ये रेट ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए। अगर बिल्कुल अनट्रेंड आदमी है, एक ही आदमी है, तो ये CPR शुरू करने से पहले उसको तुरंत EMS इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं के लिए फोन करके इमीडिएटली ये CPR स्टार्ट करना चाहिए, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। रेट ऑफ द कंप्रेशन अगेन मैं दोबारा स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 100 से 120 मिनट होना चाहिए। अगर दो लोग हैं तो दूसरे आदमी को फटाफट EMS में इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं के लिए फोन करना चाहिए और आसपास कोई AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हो उसको ढूंढना चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट पे हों जहाँ पेशेंट नॉन रिस्पॉन्सिव है तो वहाँ पे कई एयरपोर्ट्स पे AED की सुविधाएं होती हैं जिससे हम मरीज को शॉक दे सकते हैं और रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप थोड़े भी ट्रेंड हों और आपको ये समझ में आ रहा हो कि CPR कैसे होता है तो बेहतर ये है कि 30 कंप्रेशन के बाद आप 2 ब्रेथ्स भी दो मरीज को। कैसे? तो ये जैसे 30 कंप्रेशन दे दिए उसके बाद मरीज को सांस लेने के लिए आप मरीज का सर पीछे की तरफ लेके जाएं और इस उंगली से चिन को ऊपर करें। जब आप ऐसे करेंगे तो पेशेंट का एयरवे यानी सांस की नली खुल जाएगी और उसके बाद आप ये वाला हाथ जो माथे पे है इससे अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में उसके नोज को बंद कर दें। जब आपने नोज को बंद कर दिया है उसके बाद आप अपने मुंह को इधर लेके जाएं और बिल्कुल मरीज के मुंह के साथ चिपका दें। आपको इंश्योर करना है जब आप अपने होठों को उनके मरीज के होठ पे लगा रहे हैं ताकि एयर टाइट सील बने। जब वो एयर टाइट सील बनेगा तब उसमें ब्रीथ करना है। जब आप ब्रीथ करोगे एक सेकेंड के लिए ब्रीथ करोगे तो आप देखोगे कि मरीज का चेस्ट राइज करेगा और जब आप ब्रेथ साउंड के ना छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि चेस्ट नीचे जा रहा है। सो दिस इज एन इफेक्टिव ब्रेथ। ऐसे 2 ब्रेथ सीक्वेंस देने और जैसे ही 2 ब्रेथ दे दिए वापस 30 कंप्रेशन देने और 30 कंप्रेशन का ये रेट शुड बी 100 टू 120 पर मिनट। तो इस तरह हमें बेसिक्स ऑफ CPR करने हैं जिसमें हमें कंटिन्यूस कंप्रेशन करना है 30:2 की साइकिल पे कि 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ्स देने के बाद वापस 30 कंप्रेशन किए
और इस तरह हम CAB सर्कुलेशन एयरवे और ब्रीदिंग का तीनों का ध्यान रखते हैं और उसको तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारी मेडिकल एम्बुलेंस और मेडिकल सेवाओं का सपोर्ट ना मिल जाए। दिस इज तो ये एक तरीका होता है जिस तरह हम पेशेंट की ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्कुलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि ब्रेन की इंजरी ना हो। और बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कंटिन्यूस CPR जिसमें 20-20 मिनट 30-30 मिनट चले हैं CPR, उसमें भी हम पेशेंट्स को बचा पाए हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर सपोज ये CPR टाइम पे ना मिलता तो निश्चित ही पेशेंट का खराब आउटकम होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर आम आदमी को ये पता हो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एक अलग कोर्स है, एक अलग विषय है, पर दिस इज द बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसमें एक आम आदमी एक दूसरे आम आदमी को राह चलते हुए भी या सुनसान जगह पे भी इस तरह मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच।